तो देखा आपने, एक तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात के सरदार निकले, तो वहीं पर अब बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दो राज्यों में हम जश्न की दो तस्वीरों के साथ बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं। जबरदस्त जश्न न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में बल्कि गुजरात में भी, और बीजेपी दफ्तर हर जगह इस वक्त ढोल नगाड़ों और पटाखों की गूंज के साथ मिठास बांट रहे हैं जीत। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स के साथ उसको मिठाई खिलाते हुए, पटाखे छोड़ते हुए, क्योंकि जीत का जश्न है। और सभी को बीजेपी में भी अंदर खाने ये चिंता थी कि इस बार कांटे की टक्कर मिलेगी। 22 साल का एंटी इनकम्बेंसी बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके इस जीत का मतलब वो समझते हैं, इंतजार किया, जिसके बाद अब देखिए ये हिंदुस्तान की तस्वीर। अब हिंदुस्तान में कितना भगवा हो गया और कितना नीला रह गया, हालांकि यहाँ पर बीजेपी शासित राज्य समझना पड़ेगा इसे भगवा रंग के बजाय। ये रंग आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक कांग्रेस का चार राज्यों में सिमट जाना हिंदुस्तान की राजनीतिक तस्वीर में एक ऐसा वक्त लेकर आया है जब इस देश में विकल्प के रूप में लोग कांग्रेस पार्टी को देखना तक नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी परेशान, मेघालय मिजोरम जो आप देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री ने अभी से ही, इसी बीते शनिवार से ही प्रचार शुरू कर दिया है, मतलब आना जाना शुरू, यानी इन दोनों राज्यों से भी हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कर्नाटक में भी होगी, पंजाब हाल हाल में हारे हैं तो वहां पर तो अभी 5 साल शांत रहना पड़ेगा। लेकिन ये बताता है कि बीजेपी किस तरह से किलर इंस्टिंक्ट के साथ, एक जबरदस्त भूख के साथ इन राज्यों में कोशिश और मेहनत कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि चुनाव के 3 महीने पहले धुआंधार रैलियों करके, संगठन के बदले हवाबाजी करके हम चुनाव जीत लेंगे, छुट्टियों के बीच चुनाव प्रचार से चुनाव पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है, क्योंकि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी कांग्रेस का कुछ न कर पाना बताता है कि आप लोगों की नाराजगी को एनकैश ही नहीं कर सके। उन्होंने फिर भी नरेंद्र मोदी के साथ चला जाना ही बेहतर समझा। ये बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है गुजरात और हिमाचल के नतीजों से। जश्न की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, हमारे साथ तमाम प्रवक्ता नेता जुड़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण से हमारे सहयोगी ने बात की है, नहीं वो अभी इस वक्त इतना बड़ा पदभार उन्होंने संभाला है, आइए आपको सुनाते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण खुद भी गुजरात में, कई बार तो हम लोग उनसे मिले हैं और बातचीत की है, काफी उन्होंने मेहनत की है। मंजीत नेगी ने बात की है निर्मला सीतारमण से इस जीत पर, सुनिए क्या कह रही है। हमारे साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला जी, कितनी बड़ी जीत है गुजरात? हम 6th time जीत करा रहे हैं जी, 6वीं बार जीत करा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का विषय इतनी बार उठाया गया, एक पार्टी 6th time जीत कराने में आप जनता के समर्थन के बारे में सोच लीजिए। हम गुजरात की जनता का आभारी हैं और इतने बहुमत हमें दिए 6th time consecutively, इट इज इम्पोर्टेंट। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने अच्छा किया राहुल गांधी के नेतृत्व में और ये 2019 के लिए चुनौती होगी मोदी जी के। कुछ भी बोलें जी, जीत कर आने वाले पार्टी का ही सत्ता मिलता है। इससे ज्यादा सीटों की उम्मीद थी? नहीं, चर्चा आज उसके ऊपर रहना अनावश्यक है। हम जीत कर आए उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए और उसका हर एक कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देना चाहिए और गुजरात के जनता को हम बधाई और श्रेय भी देना चाहिए और सर झुक कर उनके डिसीशन को हम मानते हैं और उसके लिए जनता को भी बधाई देते हैं। आखिरी साल में हम जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे कि विकास पागल हो गया और तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए थे, इनकम्बेंसी का सवाल था, क्या वो और पाटीदार जैसे मुद्दे कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या उनको नकारा? बिल्कुल नकारे, क्योंकि जितनी भी शिकायतें सरकार जो सुनकर उनका रिस्पॉन्ड करते हैं उनको ही चाहते हैं जनता। जितने भी शिकायत हो सकते हैं उन सब का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो गुजरात में है वो सुनकर उनके लिए रिस्पॉन्ड करते आए, इसका ही आज श्रेय मिला है। गुजरात की सरकार और गुजरात की जनता सब साथ काम करेंगे गुजरात को आगे ले जाने के लिए, आज श्रेय देना चाहिए गुजरात की जनता को। अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका इसको मानते हैं? मैं ऐसे नहीं मानती, मगर डेमोक्रेसी में जब भी चुनाव होते हैं
जीत कर आने वाले पार्टी को ही श्रेय मिलता है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि गुजरात के लोगों ने जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे उनको नकारते हुए भी यह धारणा बनी हुई है इस हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। राहुल की अध्यक्षता में पहली हार किस ढंग से देखते हैं? अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हाल में ही वो अध्यक्ष बने हैं, लेकिन लेकिन नहीं तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, लेकिन छोड़िए अब उसको। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है राहुल गांधी पर कि सिर मुड़ाते ही ओले बने पड़े, यानी अभी अभी अध्यक्ष बने थे और पहला ही जो उनके हिस्से में मकाम जा रहा है वो हार का है। कटाक्ष जबरदस्त से कहा जाएगा, तीखा प्रहार। अक्सर हम गृह मंत्री को इस रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन जबरदस्त प्रहार उनका कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर, राहुल गांधी पर। उनकी टिप्पणी है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी अभी तो कार्यभार संभाला ही था अध्यक्ष का और पहला ही जो फैसला आ रहा है वो हार का आ रहा है कांग्रेस पार्टी की झोली में। दूसरी तरफ आपने निर्मला सीतारमण को भी सुना, उनका ये कहना है कि छठी बार जीत है, छठी बार की जीत में 104 पर टिके रहना उनको ये बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि जबरदस्त अचीवमेंट ये रहा है प्रधानमंत्री से लेकर हर कार्यकर्ता का जिसने जीत ये हासिल की है भारतीय जनता पार्टी में गुजरात के लिए। आप समझिए कि इसी के साथ 27 साल तक गुजरात में बीजेपी की सरकार रहेगी। और राहुल पर जबरदस्त प्रहार करते हुए सिर मुंडाते ही ओले पड़े कहा है राजनाथ सिंह ने। यशवंत देशमुख हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए। यशवंत देशमुख जी, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, 27 से ज्यादा अब उसको 32 कर लीजिए, क्योंकि हम केवल भाजपा की विक्ट्री को दो जो है 95 स्नाप रहे हैं। हाँ। जो उसके पहले जो पहली विक्ट्री थी जो बेसिकली जनता दल के साथ में मिलकर उन्होंने जीता था। हाँ। तो ये इलेक्शन इस समय 7वां इलेक्शन है इन अ रो जो कांग्रेस हारी है गुजरात में, और ये उस रिकॉर्ड की बराबरी करता है जो पश्चिम बंगाल ने में लेफ्ट फ्रंट ने स्थापित किया था। तो ये बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट है उस लिहाज से। एक और आपको परिप्रेक्ष्य देता हूं, मैंने उस दिन आपके कार्यक्रम में बोला था 1987 में एलिस ब्रिज का उपचुनाव हुआ था, उस एलिस ब्रिज के उपचुनाव में 80% वोट बीजेपी ने पाए थे और वो टर्निंग पॉइंट था गुजरात का जब माना गया था बीजेपी हैज अराइव्ड। 30 साल बाद अभी एलिस ब्रिज का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ, बीजेपी ने 75% पोल किए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 30 साल पहले 80% पोल किया था, 30 साल बाद 75% पोल कर रही है। अभी ये देखिए, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये बहुत मायने रखते हैं ये आंकड़े। दूसरी चीज अंजना, हर कार्यक्रम में जब हम लोग एग्जिट पोल के बाद में हम कह रहे थे, हमने कहा था पाटीदार गए हैं कांग्रेस को, डेंट लगी बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस ने अपना सूद के चक्कर में मूल खोया है। कांग्रेस ने आदिवासी पूरा हार गए, पूरा आदिवासी बेल्ट जो ऊपर सदन राजस्थान से मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साथ में नीचे चले जाइए, और पहली बार 50 साल में जो पूरा मैप है पॉलिटिकल मैप गुजरात का वो नॉर्थ साउथ के बजाय ईस्ट वेस्ट का मैप हो गया है। ईस्टर्न गुजरात जो कि पूरा का पूरा ट्राइबल गुजरात है वो प्रो बीजेपी हो गया है, वेस्टर्न गुजरात जो कि पूरा पाटीदार डोमिनेटेड बेल्ट है वो प्रो कांग्रेस गया है। लेकिन इसमें खतरे की बात अंजना हम बोल रहे हैं, आप कांग्रेस के किसी भी लीडर को ये बात बोलिएगा, पूछिएगा भी। हाँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। हाँ। देखिए बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो रिकवरेबल है, क्योंकि पाटीदार आज नाराज है कल मनाने पे वापस आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने जो खोया है ट्राइबल वो ये नली यादी ये वापस आने वाला नहीं है। मनोज जोशी जी अब हमारे साथ जुड़ गए, और मनोज जोशी न सिर्फ एक जाने माने एक्टर है बल्कि इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। जबरदस्त वायरल कैंपेन्स आपने वहां पर किए थे और वो कैंपेन्स एक से एक हिट हुए थे बीजेपी के लिए। मनोज जोशी जी आपसे भी मैं प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले संजय बापना जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, क्योंकि पाटीदारों को अपनी तरफ करने यानी सूद अपनी तरफ करने के लिए आपने कई इलाकों में आदिवासियों को खो दिया जो कि मूल था आपका। और राजनाथ सिंह का कहना है कि राहुल गांधी के लिए तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जीतने के बाद घमंड में वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो गृह मंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी परसों के दिन अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला है, और उनकी कोई इस तरह से टिप्पणी ये की जाए ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने एक बहुत ज़बरदस्त नेतृत्व पार्टी को प्रदान किया, जो हमारी 40-42-41 सीट पे हमने चुनाव चालू किया था जो 75-80 पर पहुंच गया है, ये उन्हीं के कारण और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हुआ है। ये बीजेपी कहाँ थी और क्या क्लेम कर रही थी इकोनॉमिक में ठीक है।
इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा वो अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि हमने क्या क्या नहीं कर दिया देश के लिए, जहां पे देश का भंटाधार हो रहा है। ठीक है, आज वो जीत गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, मनोज जोशी जी, पता नहीं वो एड्स हमारे पास है या नहीं है, विकास पागल हो गया है, पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाया था और उसको काउंटर करने के लिए आपके वीडियोस का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया, वायरल हो रही थी वो तमाम वीडियोस। आज जब आप मुड़कर देखते हैं, जीत कैसे मिली जी और क्यों मिली, क्या समझ जी, विकास जी, विकास विकास पागल नहीं हुआ है, विकास घर घर तक पहुंचा। और पागल कौन हुआ है ये तो स्पष्ट किया है गुजरात की जनता ने, और कांग्रेस को एक अच्छे सेक्रेटरीज की अब जरूरत पड़ेगी कि पागल कौन हुआ है, इसकी स्पष्टता तो हो चुकी है। और दूसरी बात, वनवासी क्षेत्र में जो है वो बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, ये भी सत्य है। और दूसरी बात बोलता हूँ, राजनीति जातिवाद की और ज्ञातिवाद की जो राजनीति, ज्ञातिवाद और जातिवाद की राजनीति की बैसाखी लेकर कूदने के लिए आए और मुंह के बल की घमंड हो रहा है। ओके, जरूरी है कांग्रेस की सामंतवादी और जातिवादी राजनीति को लताड़ा है गुजरात की जनता ने। गुजरात के स्वाभिमान की जीत हुई है, राष्ट्रवाद की जीत हुई है, नोटबंदी और जीएसटी जैसे कठोर निर्णय जो राष्ट्रहित में लिए थे, ओके, उसे गुजरात की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से समर्थन दिया है, ये स्पष्ट होता है। नहीं, आपको क्या लगता है ये प्रधानमंत्री मोदी की पूरी पूरी जीत है या, क्योंकि सवाल है सर कि 22 साल के बाद थोड़ा गुस्सा तो था ही जोशी साहब, तभी तो सीटें घटी है। नहीं, 22 साल के बाद थोड़ी बहुत, 22 साल के बाद एंटी इनकम मंसी थोड़ी सी रहती है किसी भी सत्ता में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुपड़े साफ हो गए, ये तो स्पष्ट है। और गुजरात में भी जिस प्रकार से जाति भेद और ज्ञाति भेद की राजनीति का उन्होंने प्रादुर्भाव करना और प्रदर्शन नहीं था, हर किसी को साथ लेके आगे बढ़ाने की बात थी, उसका परिणाम उन्होंने भुगता है। नहीं नहीं नहीं, साथ लिया नहीं है, पीछे छोड़ने की कोशिश की, साथ बात छोड़ो, वो जाति भेद यही कांग्रेस की नीति रही है, नहीं छोड़ दीजिए। ओके, चलिए ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें, संजय जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय बापना जी भी, एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। दरअसल बहुत 104 सीटों के साथ बीजेपी पूरी तरह से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के लिए बहुत सारे सबक है, लेकिन इन सब के बीच जश्न की तस्वीरों के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर अहमदाबाद चाहे दिल्ली, हर जगह जबरदस्त जश्न, देखते रहिए आज। ऐसा कुछ देर पहले तक नतीजों को देखकर रुझान, जो अब नतीजों में कई जगहों पर तब्दील हो रहे हैं, देखकर लग रहा था कि ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी विरोध में निकली है ईवीएम के खिलाफ, 74 सीटों के इस आंकड़े को, रुझान को वो सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। गुजरात चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ, अगर आप गेट पे खड़े हो तो आपको भीतर क्या बातचीत चल रही है इसका भी अंदेशा लग जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही। हाँ, गेट के बाहर इस तरह की तस्वीर आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। पहले कुछ आपको पोस्टर नज़र आए थे जहाँ पे राहुल गांधी की पहली जीत की चर्चा हो रही थी, यहाँ पीछे राहुल गांधी का पोस्टर लगा हुआ है। कुछ ही दिन पहले वो औपचारिक रूप से अध्यक्ष घोषित किए गए थे और अब यहाँ पे बैनर और पोस्टर लेके लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। इनका कहना है कि ईवीएम का बहिष्कार करना होगा, बैलेट पेपर पर आना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बात हो रही है। और बता दें आपको कि पहले भी जब हमने बात की थी तो बताया था कि जो जीत हुई तो राहुल गांधी के मत्थे चढ़ेगी और अगर हार होती तो ईवीएम के मत्थे चढ़ेगी। जगदीश जी,
आपका प्रोटेस्ट थोड़ा सा अनूठा भी है, अनोखा भी, और समझ में नहीं आ रहा है। अंगूर खट्टे है क्या? नहीं, मैंने जब भी ये कहा था कांग्रेस 160 सीट लेके जीत रही है, वो ये थोड़ा सिमटा दिया ईवीएम की वजह से, यानी कांग्रेस वहाँ 80% है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ राहुल गांधी की ऐसी बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से कुछ बैलेट ऐसे, कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बोला कि चलिए ईवीएम का जादू चलेगा और कहीं ईवीएम का जादू नहीं चलेगा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर जगह बैलेट पेपर लगेगा, कहीं लगा? हमें तो संजय बापना जी, क्या अब हम माने कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आपका आधिकारिक बयान है कि कांग्रेस पार्टी नहीं हारी, ईवीएम ने हराया है, आप ईवीएम की आड़ में अब अपनी हार को छिपाने की कोशिश करेंगे ताकि दोष राहुल गांधी पर ना लगे? देखिए, ऐसा है, हम लोग लोकतंत्र में हैं, हिंदुस्तान में एक संविधान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। आज जो सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न ये है कि वो सवाल क्यों उठ रहे हैं, ऐसे क्या कारण है कि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ऐसे क्या कारण है कि कहीं पे भी अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी आती है तो वो केवल एक ही पार्टी के पक्ष में क्यों जाती है, जी जी, क्या कारण है कि जितने भी लोग पहले यहां पर भी हैं, तीनों की राय जान लेते हैं, क्या ईवीएम पर सवाल खड़ा करना सही है, क्योंकि अब कांग्रेस साफ दिख रही है ईवीएम पर सवाल। ईवीएम पे सवाल अगर खड़ा करना है तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की राय ले ले। कल ईवीएम के ऊपर उन्होंने बोला कि अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो पंजाब के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में कांग्रेस नहीं जीतती। तो सवाल ये है, और जब इलेक्शन कमीशन ने हैकेथॉन के लिए इनवाइट किया था कोई नहीं गया था, मेरे ख्याल से बहुत डिसग्रेसफुल है। अगर देखिए, आपने एक अच्छा कैंपेन किया है, आपने अच्छा कैंपेन किया, आपने अच्छी लड़ाई दी, आपने अच्छा चुनाव लड़ा, इस बात के लिए खुद को बधाई दीजिए और ग्रेसफुल तरीके से जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, और जो वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था वो भी सबने देखा है, हर पत्रकार ने देखा है, जहाँ प्रधानमंत्री की रैलियों से लोग उठ उठ के जा रहे थे, जहाँ प्रधानमंत्री की रैलियां खाली हो रही थी, जहाँ हमारे लीडर के यहाँ भीड़ उमड़ रही थी, वहां पे इस तरह के अगर रिजल्ट आते हैं तो निश्चित बात है कि इस पे सवाल उठेंगे। जरा सोचिए, सवाल ये है जरा कि लोकतंत्र को भी सुनिए, न जाने कितने चुनावों में भीड़ कभी भी वोट का पैमाना नहीं बन पाई है हिंदुस्तान में, और आप भी इसके गवाह जरूर रहे होंगे देखकर ये कि आपको भी चुनाव का अनुभव है। हिंदुस्तान में अक्सर देखा गया, बड़े बड़े फिल्मी सितारे आते हैं, हुजूम लग जाता है, मतलब वहां पर लाठी चार्ज की नौबत आ जाती है, लेकिन वोट में वो तब्दील हो जरूरी नहीं है। बहरहाल, सब में सिमिली एक जैसा ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर सबूतों के बिना तमाम संस्थाओं पर सवालिया निशान लगा देना, अगर आप ईमानदार हैं तो इसको फिर परस्यू कीजिए, अभी फिर अगले चुनाव के पहले टाइम है, जाइए सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया 25% वोट जो आप चाह रहे थे पेपर से मैचिंग की। आप इलेक्शन कमीशन में जाकर साबित कीजिए सर, सबूत के बिना हर संस्था पर सवाल आपके लिए भी परेशानी खड़े करेगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।